अरे सर मैं तो आपका बहुत ही बड़ा फैन। अरे फैन तो सब तुम्हारे और क्या यार। सर वो दो मोटरसाइकिल पे बीच पैसे खड़े होकर चल के दिखाऊंगा। दो मोटरसाइकिल नहीं है लेकिन दो कुर्सियां हैं जिसपे मैं खड़ा हो सकता हूँ। अरे सर किसी और के कहने पे नहीं होता हूँ, तेरे कहने पे हो रहा हूँ सर। लेकिन देख रहा है तू इन कुर्सियों के नीचे टायर लगे हुए हैं, अगर दोनों कुर्सियां इधर होगी तो। सर कोई नहीं, हम है ना आपकी सेफ्टी के लिए। मैं कहना चाहता हूँ कोई भी गलत काम करता है उसे मैं पहुंचाता हूँ इन थाना। कोई भी गलत काम करता है तो मैं उसे पहुंचाता हूँ इन थाना। और काजोल से लेकर मैं वी आर फैन ऑफ अमित पठाना। सबसे पहले दिल्ली वालों के लिए कोई तुकबंदी हो जाए, क्योंकि तुकबंदी के हम फैन है तुम्हारे यार। तू चीज ला जवाब तेरा कोई ना जवाब। कितना टाइम लगाइए अगर शून्य से 50 मिलियन का सफर अगर 18 फरवरी से लगा लीजिए। 18 फरवरी 2017 से। 17 से? अरे क्या बात है, मतलब एक साल हुआ जुम्मा जुम्मा। हाँ जी सर। और सबने तुम्हारा ले लिया चुम्मा चुम्मा। अच्छा ये जो टीम की फॉर्मेशन हुई है, मैंने देखा है कि शुरुआत से जो लोग तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं वही अभी तक हैं, तो ये टीम की फॉर्मेशन कब, मतलब गली मोहल्ले में से हुई या स्कूल से हुई? ये सब स्कूल के हैं। अच्छा। बचपन से ही एक बात सिखाती थी मम्मी कि जो घर होता है ना उसमें कभी न्यारे नहीं होने चाहिए, मिलकर चलते हैं, संगठन में शक्ति है। तो कभी अब मैं आगे भी बढ़ा तो मुझे बहुत लोगों ने सलाह दी कि अब ये कैमरामैन कर ले, प्रोफेशनल एक्टर करने लग, ये करने लग, वो करने लग। लेकिन नहीं, मेरे को लगा कि जब कच्चे टाइम से ये साथ है तो अब पक्के टाइम में भी ये लोग ही साथ रहेंगे। क्या बात है, देसीपन का जो फ्लेवर है ना उस चीज से कोई बीट नहीं कर सकता। सर मेरा बस यही कहना था कि जैसे है ना वैसे ही मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा। मेरा ये नहीं रहेगा कि पहले मैं मेकअप करूंगा, बाल सेट करूंगा, स्क्रिप्ट डिस्कस करूंगा, डायलॉग ये करूंगा। नेचुरली जो उस टाइम पर आएगा, तू मुझे वीडियो का स्क्रिप्ट ये है वो मुझे पता होता है, लेकिन उसके बीच में जो मेरा मन करेगा ना बोलने का वो मैं बोलूंगा। क्या बात है। अरे नमस्कार सर। नमस्ते, पैरी पोना करते हैं। अरे जीते रहो। मैं कहता हूँ बच्चे तूने देसी की बात करी है और ब्रांड की बात करी है तो मैं ना हूँ ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने कहा आज अमित बढ़ाना आएगा कॉफी विद करण में नहीं, लस्सी विद धर्म में। चीयर्स। मैंने कौन सी फिल्म देखी वैसे? सारी देखी है सर आपकी, धर्मवीर में जो आपने काम किया वो तो जो स्कर्ट पहन के मैंने करा था। नहीं सर नहीं नहीं, नहीं स्कर्ट ही तो थी वो मेरी, वो थी पर सर वो चीजें हम इग्नोर कर देते। इग्नोर कर देते हो। वाह, तो बच्चे एक मेरा डायलॉग हो जाए अगर किसी भी पिक्चर का। हां जी सर। बढ़ाना स्टाइल में। अरे मैं तेरा खून पी जाऊंगा। पहली बार तूने घर से किसी की जेब से चोरी करी थी, और कितनी थी और किसके लिए थी? चोरी वोरी तो ये तो नहीं करी हाँ, लेकिन जब कभी दूध वूध लेने भेजते थे घर वाले, चीनी भी नहीं लेते थे तो उसमें से घपला वपला लगा लेता अपना, 5-10 रुपए इधर उधर कर देते, वो अपना स्कूल का जुगाड़ हो जाता था, आम पापड़ चिली पटेटो खाने पाने का। अच्छा स्कूल के बाहर, मतलब स्कूल के बाहर लगती है आपने छोले कुलचे वोले कुलचे का हो जाता था। चुस्की, कभी चुस्की का शौक रहा है? सर चुस्की मैं बातों में भी लेता हूँ और दुकानों पे भी। क्या बात है। वाह, तो वैलेंटाइन डे से 2 दिन पहले था किस डे? तो बच्चे जब किस डे हुआ था तो मैंने बहुत लोगों से एक कंपटीशन करा था, पहली बार हुआ था वो रेडियो पे। हाँ जी सर। किस डे पे किस कंपटीशन हुआ था? हाँ जी सर। किस की मैराथन? हाँ जी। तो उसमें था कौन सबसे लंबी किस करेगा? हाँ जी सर। तो तुझे इमेजिन करना है जिसको भी तू किस करना चाहता है, बच्चों को, मम्मी को, डैडी को, या बहू को, किसी को भी। और सबसे लंबी पप्पी जो उस दिन की गई थी 15 सेकंड की थी। हाँ जी सर। आज देखते हैं अमित बढ़ाना की पप्पी। बढ़ाना है तेरी जो वीडियो थी पप्पा, ये मम्मी के लिए थी। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए। मम्मी को सबसे पहले याद किया गया है प्यार के मामले में भी। बढ़ाना के लिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत रैपिड ये रहा राउंड, फायर निकलते ही आपके मुंह से।